नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट, मैं हूँ रंजना। चारा घोटाले मामले में आरोपी लालू प्रसाद यादव राजधानी रांची के रिम्स अस्पताल में वो अपनी सजा काट रहे थे। उनकी तबीयत इन दिनों खराब चल रही है, इसी कड़ी में उन्हें दिल्ली एम्स भेजा जा रहा है। बिहार के पूर्व मंत्री और राजद नेता श्याम रजक रांची पहुँचे हैं, क्या कुछ मीडिया से बात कर रहे हैं देखिए इस वीडियो में। देखिए, लालू जी पहले भी बड़े गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं और इधर क्रेटेनिक उनका काफ़ी बढ़ गया है और ऐसी स्थिति में उनको विशेष चिकित्सा की ज़रूरत है, इसलिए मेडिकल बोर्ड हुआ है और उसने कहा है तो वहाँ एम्स में अच्छे डॉक्टर लोग भी हैं, तो वहाँ उनकी जांच होगी, वहाँ उनका इलाज होगा। हम लोग पहले भी कह रहे थे जब उनको मुकदमा में और उनको सजा देने की बात हो रही थी तो हम लोग राहत की बात कर रहे थे, लेकिन ठीक है, वो तो कानून पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन वो काफ़ी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं और यहाँ रहने के बाद उनका क्रेटेनिक धीरे धीरे बढ़ता गया और इधर विगत 3 दिनों से उनका काफ़ी बढ़ा है। उस समय 4.1 था लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए उनका जाना आवश्यक है, इसलिए वो दिल्ली उनको शिफ्ट किया जा रहा है एम्स में। पिछले 3 दिनों में लालू प्रसाद यादव की तबीयत अधिक खराब होने के कारण उन्हें आज देर शाम दिल्ली एम्स रेफर किया जा रहा है और वो एम्स में ही उनकी इलाज होगी। बने रहिए इसी तरह की खबरों के लिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।